नमस्कार साथियों, मैं हूं आसकन सिंह और आप देख रहे हैं डेली स्टॉर्म न्यूज। साथियों, इस वक्त हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराएंगे जिस शख्स ने किसी भगवान के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए नहीं या खुद के लिए नहीं, उसने एक युवा नेता के लिए जो है वो अन्न त्याग दिया है और जूते तक है वो इस भीषण गर्मी में नहीं पहनते। इनका प्रण है कि जब तक उस युवा नेता की जीत नहीं होती तब तक ये किसी प्रकार से कोई अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक गिलास दूध पर जो है वो पूरा दिन निकालते हैं। हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे। उन्होंने इस उनकी प्रति दीवानगी को देखते हुए जब हमें पता चला तो हम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं एक युवा नेता के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए मुझे लगा कि ये नेता अच्छा है, इसलिए मैंने माता भटियाणी जी से ये मन्नत मांगी है कि जब तक इनकी जीत नहीं होगी तब तक मैं ना अन्न त्यागूंगा और ना चप्पल पहनूंगा। हम उनसे आपको बात करेंगे कहाँ के रहने वाले और उनका क्या नाम है और उन्होंने ये मन्नत जो है किस लिए मांगी है। भाई साहब, पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम दिनेश पाल सिंह सिसोदिया जागीरदार है और मैं जैसलमेर का रहने वाला हूँ। भाटिया बिरा के पास अपना मकान है और माजी सामा का परम भगत हूँ। घर पे माजी सा का मंदिर बना हुआ है। आप प्रॉपर कहाँ से रहने वाले हैं, जैसलमेर के या कहीं और के? प्रॉपर मैं बाड़मेर जिला के हरसाणी के पास गोरडिया गाँव का निवासी। आपने किस नेता के लिए जो है वो इस तरीके की मन्नत मांगी, क्योंकि आमतौर पर ऐसा नहीं देखा जाता है कि कोई नेताओं के लिए जो है अन्न त्याग दे। मैंने युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी के लिए अन्न त्यागा है और ये मेरी मन्नत है। जो मैंने 25/4 को भोजन ग्रहण किया था और 26/4 से लोकतंत्र पर्व के बाद मैंने वापस चुनाव का रिजल्ट आएगा 4/6 को, तब मैं अपना अन्न ग्रहण करूंगा, तब तक रविंद्र सिंह की जीत होगी। आपने उस युवा नेता के प्रति आप में इतनी दीवानगी है, क्या कारण है जो आप इस नेता के लिए जो है इतना बड़ा कुछ कर रहे हैं? रविंद्र सिंह युवा नेता है, 36 कौम को साथ लेने वाला चलने वाला नेता है और पानी की जो समस्या है हर बाड़मेर में जैसलमेर में जो भी है उन समस्या का समाधान रविंद्र सिंह भाटी करेंगे। बहुत अच्छा लोकप्रिय नेता है। इतनी भीषण गर्मी है, इस गर्मी में कई काम होते हैं, उनको काम को लेकर आपको बाहर भी जाना पड़ता है, तो आप जो है चप्पल तक नहीं पहनते हो, तो किस तरीके से जो है पूरी दिनचर्या रहती है और आप दिन में क्या करते हैं, पूरा क्या खाते पीते हैं? मेरा केवल मतलब दूध ही मैं ग्रहण करता हूँ सुबह शाम 2 गिलास, बाकी तो कुछ खाना बना भी है मैं खाता नहीं हूँ। और बाकी गर्मी तो मेरे को लगती नहीं है, माँ का आशीर्वाद है, मुझे कोई गर्मी भी ऐसा भूखा कोई एहसास नहीं होता, पूरा अखंड मेरा व्रत चल रहा है। क्या लगता है रविंद्र सिंह से आपकी क्या उम्मीद है? आपने जो व्रत रखा है कुछ उम्मीदें होगी जो आपको लगता है कि बाकी नेताओं से ये नेता अलग है और ये उम्मीदें हमारी पूरी होगी? रविंद्र सिंह एक अच्छा नेता है और मेरी उम्मीद रविंद्र सिंह मतलब बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा सब जनता की उम्मीद है पूरी, और ये अच्छा काम करेंगे। युवा नेता है, हर गाँव का और ढाणी ढाणी जाकर सबको रविंद्र सिंह, जितने भी लोग नेता है सब उनमें से रविंद्र सिंह सबसे श्रेष्ठ है। आपके कभी रविंद्र सिंह से बात हुई इसको लेकर? रविंद्र सिंह से बात हुई है मेरी। रविंद्र सिंह अभी जयपुर गए हुए, रविंद्र सिंह बोला जैसे आते आपके मंदिर पे और आपसे मिलने जरूर आऊंगा। क्या लगता है आपने इतना व्रत रखा है, कितना विश्वास है कि आपको जब मत पेटियां खुलेगी तो वही जीतेंगे? मुझे पूरा माता रानी पे विश्वास है, भरोसा है और हमारी 100% जीत होगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ। मैंने पैदल भी यात्रा करी है, पहले तेमड़ राय जैसलमेर से तेमड़ राय पैदल यात्रा का संग लेके गए हैं रविंद्र सिंह के नाम की, और आगे भी मुझे पूरा भरोसा है रविंद्र सिंह 100% जीत होगी। आप जो है जैसलमेर में रहते हैं, क्या काम काज करते हैं आप जैसलमेर? मेरा जैसलमेर में सप्लाई का काम है, गैस सिलेंडर सप्लाई करता हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ। तो इतनी गर्मी में आप चप्पल नहीं पहनते तो कैसे ये काम कर पाते? सब माँ की शक्ति है, गर्मी लगती नहीं हमको, बिना चप्पलों के ये जो आप गर्मी में भी कहीं चले जाते हैं? सब जगह जाता हूँ, आज चप्पल छोड़े हुए काफी टाइम होगी मेरे। जिस तरीके से आपने देखा है एक युवा नेता के प्रति दीवानगी, इन्होंने कहा कि इन्हें उन्हें से कई उम्मीदें हैं, उन्हें लगता है कि जो बाकी नेता नहीं कर पाए वो चीजें जो है हमारे आम जनता के लिए वो करेंगे। उन्होंने कहा कि वो किसी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं करते, इसी को लेकर हम उनसे प्रेरित थे और उनके लिए जीत की कामना कर रहे हैं।